इस लड़के दे जज्बे ने पैदा की नवी मिसाल। जिया लॉकडाउन के दौरान 17 साल के लड़के ने अपने घर के खर्चे चलाने के लिए अपनाया पुराने जमाने का तरीका। मिट्टी के घड़े विच चिकन बना के होया फेमस। फौजी बैंड का काम करदा सीगा। इस तों बाद मलवई गिद्दे का काम करन लग गया जी। एक दिन साडे घरे गल चली सी, कोई काम नहीं मिल रहा सीगा। उस दे कारण इस तों बाद च मेरे दादा दादी मदर कोले बैठे सी, सारे इकट्ठे इकट्ठे बैठे सीगे। असीं गल्लबात कीती, मेरे दादी ने दसा सी पुराने समय के मिट्टी के भांडे दाल दुध बालते होंगे सी। पहले बहुत वधिया बनती सी दाल। उस तों बाद ये काम शुरू किया साडी दादी ने, राय दित्ती। फिर असीं एक दिन घरे टेस्ट किया बना के, बहुत ज़्यादा वधिया बनिया। उसे कोल दूर दूर तो कस्टमर उसे खाना खाने लई आउंदे ने। एक नैचुरल ना कि मसाला जो खाने तो बाद कोई तकलीफ नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। जिम्मे आप अपने तेजाब बन जाता जो कोई गैस हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत वधिया टेस्ट है, तो बहुत कमाल का टेस्ट है। आप यही कहने भी जोड़ा भी वीर सुन आवाज इतने जरूर एक बार आए तो टेस्ट करे। मेरा पिंड माणूके है जी। हाँ जी, माणूके तो चल के आने अभी तकरीबन मैं तो मेरा दोस्त हो गए है ना, जो कोई होर भी होंगे दो चार मुंडे अगे। और इतने असं आने ये जो चिकन आज बहुत वधिया क्वालिटी है जी। जिमें आप आम घर पहले बजुर्ग दसते होंगे, जिम्मे सा नानी दसते होंगे जी कि वो तौड़ी के कोई दाल बनाते साग बनाते होंगे सके। पर हूँ तो किसी मान लो ना किसी होटल ना रेस्टोरेंट किसी तौड़िया वगैरह तो है नहीं, पर जो आज देखा अभी हफ्ते के दो तीन दिन अभी होने जी। बहुत ही वधिया यानी कि आनंद आता जी। इकबाल सिंह के घर के दादा दादी माता और उस दिन दो भैन ने। उसने घर के खर्चे चलाने लिए अपनी माँ का साथ दिता, जिस तुं बाद घर घर के काम करता है, जिस नाल उसके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल नाल हुंदा सी। ते तालाबंदी दौरान उसके घर का गुजारा होना बड़ा मुश्किल हो गया, जिस दौरान उसने अपनी दादी ने नाल एक सलाह की अते घड़े दे विच चिकन बनाना शुरू किया। सानू जी साडी माता जी ने दस्या सीगा वी अगे लोकी हारियां च दालां धरदे सी, साग बनाउंदे सी, हुण इह काम कर नहीं रहे। असीं चिकन बनाउणा शुरू करता। असीं इक दिन यार दोस्त रल के, असीं घर दे परिवार ने सारे ने रल के असीं चिकन बनाया तौड़ी च, वो बड़ा वधिया बनया। फिर असी हौली हौली काम चलाया, रेहड़ी बनाई जी। उस तो बाद मुड़ के साडा काम दूर दूर के लोग आने लग पे, वधिया चल पिया। असी एक बजे धर दिंदे आगे, पहला किसी के घर रोटी बनाने आगे, रोटी बना के आ के फिर उस काम करते हैं गे, ये काम करते हैं। 5 बजे तक बन जाता जी ये, फिर रेहड़ी घलते हैं। असं मेरी मम्मी, मेरी दादी तो मेरा भरा कट्ठे बैठे से, तो मेरी दादी पुरानी गल्लां दसी जांदे सी वी पहला लोग किवें वी हांडी च कच्चे भांड्या च वी दाल बनाउंदे सी जां होर कुछ। तो फिर मेरे वीर ने सोचा भी क्यों ना आपां इह काम चलाया जावे। तो एक भी ज़्यादातर सानूं इस दी जरूरत सी लॉकडाउन के दौरान। मेरे पापा की डैथ हो गई सी, तो मैं 9वीं विच पढ़ती सीगी। तो फिर मेरे वीर ने सानूं पढ़ाया, मैनूं पढ़न का बहुत शौक सी। तो मैनूं मेरा सुपना सी कि मैं नर्सिंग करा, पर साढ़े बच्चे इन्नी पहुँच है नहीं सी कि मैं नर्सिंग करा सकन। फिर मेरे वीर ने सब तो पहला मेथों छोटा है तो उन्हें बेरोजगार चलाया, वो फौजी बैंड का काम करता सी। फिर उन्हें मलवई गिद्दा किया, हुण उन्हें मेरा सुपना पूरा करने लई ये रुजगार चलाया है, जिदे विच सानूं भी साथ मिलिया लोगों का भी, तो भी हुण उहदा काम वधिया चल रहा है। उसके दोस्त ने उसकी फेसबुक पर फोटो पा दी, जिसके बाद उसके कोल दूर दूर तो लोग खाना खाने आने लगे। वह अपने जिले के काफ़ी फेमस हो गया।